ये कोई मामूली बात नहीं है। इलाज में खर्चा 500,000 तो मामूली बात है, दवाई सर्दी जुकाम हो जाता है। और 25 लाख तक का ऑपरेशन भी, आपके इलाज भी, दवाएं भी, सब कुछ 25 लाख का बीमे का मतलब आज लोग जो है हार्ट का बीमारी हो 2-4 लाख खर्च कर देते, किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ 7 लाख खर्च होते थे। सब कुछ फ्री होना हिंदुस्तान में कोई जगह है देश के अंदर राजस्थान में। और तो और ये आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदुस्तान भर में चाहे वो केंद्र सरकार में भी एक सर्वे हुआ था पहले, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक के लोगों को 5 लाख का बीमा है। गुजरात में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, सब जगह 22% 25% आबादी को है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां मैंने आम लोगों के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, गरीब अमीर कोई हो वो बीमा करवा सकता, 8 लाख 25 लाख का बीमा कर दिया है। ऐसा कोई राज्य नहीं, आराम हो गए लोगों का है। जिनके घर में तकलीफ आती है भगवान करे तकलीफ नहीं आए किसी के घर पे, आती है तो वो कम से कम पहले उसको चिंता होती थी कि मैं उधार पहन लूंगा क्या होगा। अपने तो बहुत अच्छे संस्कार है, माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं, बीमार है, डॉक्टर के तरह कभी बचेंगे नहीं, तभी अपन लोग ऐसे हैं पूरा कोशिश करते हैं बचाने की, चाहे 1 लाख खर्च हो या 2 लाख खर्च, घर बिक जाए परवाह नहीं, घर बिक जाए परवाह नहीं, ये हमारा संस्कार है। और ना घर बेचने की जरूरत है, ना गिरी रखने की जरूरत है, कहने को आराम से आप पूरा इलाज घुटना बदला लो, हार्ट का ऑपरेशन करवाए लो, क्या नहीं हो रहा राजस्थान में, सब कुछ फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। इतने में कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी आए थे तो 4 मुद्दे बनाए थे, महंगाई का, भयंकर महंगाई है राजस्थान के देश के अंदर, भयंकर बेरोजगारी है नौजवानों के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए तब जाके समाज विकास करता है, देश विकास करता है। और गरीब अमीर जो है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, तो फिर आप बताइए कि न्याय कैसे होगा। तो वो खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये मुद्दे थे। और मैंने चारों मुद्दों को लेके कार्रवाई करी है, फैसले किए हैं। 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन आता हूँ, 1 करोड़ लोगों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोग हो, बूढ़े महिलाएं वाली हो, माताएं, विधवाएं हो, निसज्जन हो, दिव्यांग हो, अपंग हो, पहले 530-750 1000 रुपये कर दिए। और ये कर दिया है आगे, अब 15% अपना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी पेंशन, किसी कहने युद्ध नहीं पड़ेगी, अपना पेंशन 1,000 की 1,500 होगी, 2,000 होगी, बढ़ती जाएगी। बल्कि मैं तो मांग कर लू प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के अंदर आप जो है हर परिवार को आजीविका चलाने के लिए पैसा मिलना चाहिए, दुनिया के मुल्कों में मिलता वैसे मिलना चाहिए। जब हम किस गुरु बनेंगे, जब हम लोग हर परिवार की शुद्ध बुद्ध लेंगे, कोई कुपोषण नहीं हो, कोई परिवार चलाने में तकलीफ नहीं आए, कोई भूखा नहीं सोए। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, आप लोगों ने सब मिलकर के एक दूसरे की इमदाद करी और राजस्थान को प्रदेश वाली भूखा नहीं सोया। शानदार इलाज करवाया हम लोगों ने, इलाज शानदार करवाया, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, बिरौला मॉडल हमारा पूरा दुनिया में चला गया, इतना शानदार प्रबंधन हम लोगों ने किया। तो मैं कह सकता हूँ दादा के साथ में कि राजस्थान सरकार ने जो आपने मुझे अवसर दिया 3री बार मुख्यमंत्री बनने का, मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो मुझसे बन पड़ा मैंने मेरा फर्ज समझा, मैं क्या किस प्रकार सेवा कर सकूँ आवाम की, आवाज की, हम लोगों की। इतनी स्कीम लेके आ गए हम लोग, दुर्घटना बीमा लेके आ गए, लंपीरों में गाय मर गई, हिंदुस्तान में किस सूबे ने पैसा दिया, हमने 40,000 रुपये लिए गाय के मरने वाले।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।